बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, उम्मीद है आप और आपका ख़ानदान दोनों खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह खैरियत से रहेंगे। इस वीडियो में हम एक तहकीक की रिपोर्ट बयान करेंगे कि मौसम बहार में पैदाइश अमराज़ कल्ब का ख़तरा बढ़ाती है। मज़ीद वीडियो में जाने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मोटिवेशन प्लस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ लगे बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। मोहतरम सामीन, ये दावा अमेरिका में होने वाली एक तबी तहकीक में सामने आया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इस तहकीक में 1,16,000 से ज़ायद अफराद की तारीख़ पैदाइश और दिल की शरियानों से जुड़े अमराज के दरमियान ताल्लुक का मुवाज़ना किया गया। तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि अप्रैल में पैदा होने वाले अफराद में अगले 38 साल में नवंबर में पैदा होने वाले लोगों के मुकाबले में अमराज़ कल्ब से मौत का ख़तरा 12% ज़्यादा होता है। अगरचे ये तो वाज नहीं हो सका कि ऐसा क्यों होता है, मगर साइंसदानों के ख्याल में मौसम के मुताबिक ग़िज़ा, हवाई आलूदगी और सूरज की रोशनी में तब्दीली वगैरह हमल और ज़िंदगी की इब्तदा में किरदार अदा करने वाले अवामिल शामिल हैं। माजी की तहकीकी रिपोर्ट में ये दावा सामने आया था कि नवंबर में पैदा होने वाले अफराद में अमराज़ कल्ब का ख़तरा सबसे कम होता है, जबकि मई में पैदा होने वाले अफराद में सबसे ज़्यादा होता है। इस नई तहकीक में शामिल साइंसदानों का कहना था कि माजी की तहकीकी रिपोर्ट्स में नतायज पर असरअंदाज होने वाले अनासर को शामिल नहीं किया गया था। जरीदे BMJ में शामिल तहकीक में बताया गया कि अमीर घरानों में पैदा होने वाले अफराद में अमराज़ कल्ब और जल्द मौत का ख़तरा कम होता है। मुहक्किकीन ने इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए सन 1976 में नर्सों पर होने वाली एक तहकीक के नतायज का जायज़ा लिया जो 38 साल तक जारी रही। नतायज से यह मिला है कि जिन खवातीन की पैदाइश अप्रैल में हुई इनमें अमराज़ कल्ब से मौत का ख़तरा ज़्यादा होता है। मार्च में पैदा होने वाली ये खवातीन में 9%, मई या जुलाई में 8%, जबकि जून में 7% होता है। दिसंबर में ये शरह 5% होती है। साइंसदानों ने आखिर में वाजे किया कि इसकी वजह फ़िलहाल वाजे नहीं हो सकी कि इनको लगता है कि मुमकिन तौर पर फल और सब्जियों की दस्तियाबी का इससे कोई ताल्लुक हो सकता है। मुहक्किकीन ने इस हवाले से मज़ीद तहकीक की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि नतायज की तस्दीक की जा सके और इसके मुमकिन मैकेनिज्म को भी सामने लाया जा सके। मोहतरम सामीन, हमने कोशिश की कि मौसम बहार में पैदाइश अमराज़ कल्ब का ख़तरा बढ़ाती है पर की जाने वाली तहकीक की एक रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मोटिवेशन प्लस TV सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें। शुक्रिया।